ऋषि बोले, महाभाग व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भस्म महात्म का वर्णन कीजिए। भस्म महात्म, रुद्राक्ष महात्म तथा उत्तम नाम महात्म, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंद दीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं करते हैं जैसे खदे वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकता। हे शिव, आपको मेरा नमस्कार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसी बात जब मुख से निकलती है तब वह मुख समस्त पापों को विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उसे निश्चित ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्य माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभतर वस्तुएं सदैव रहती हैं, उनके दर्शन मात्र से मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है। भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों को नाश करने वाली होती है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कोई भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह तो सब केवल महेश्वर ही जानते हैं। विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ। तुम लोग सब प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव इस नाम रूपी दावनल से महान पातक रूपी पर्वत अनायासी भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम से ही नष्ट होने वाले होते हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्यात्मा है, वह धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। मुने जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। महर्षि, भगवान शिव के नाम में जितने पाप नष्ट होते हैं उतने ही पाप मनुष्य इस भूतल पर नहीं कर सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आढ़ुर होकर संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्रव ही नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावा नल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावा नल से दग होने वाले लोगों को उस शिव नाम मृत के बिना शांति नहीं मिल सकती है। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टिजनक धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावा नल के बीच खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों को सहसा और सर्वथा मुक्ति मिलती है। मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी के शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों को नाश करने वाली होती है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित ना होने वाली असाधारण भक्ति प्रकट होती है उसी के मोक्ष सुलभ हैं। यह मेरा मत है। जो अनेक प्रकार के पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग जाता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।
इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे वन में दावनल से दग हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावनल से दग होकर भी उस समय से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म से लगाने पर पवित्र हो गए हैं और जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है, वह घोर संसार सागर को भी पार कर लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यह निश्चित किया है कि भगवान शिव के नाम का जाप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ है, मैं शिव नाम के सर्व पापाहारी महात्म की एक ही श्लोक में वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है, उतना पातक मनुष्य कभी भी नहीं कर सकता। मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रदुग्ध ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति प्राप्त की थी। इस तरह कोई ब्रह्मणी युवती भी जो पाप कर चुकी है, शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। दुष्वरो, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान नाम के उत्तम महात्म का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला होता है। महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं और मैं उन भेदों का वर्णन करता हूँ, तो सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म और दूसरे को स्वल्प भस्म समझना चाहिए। महाभस्म के अनेक भेद हैं, वह तीन प्रकार का कहा गया है, श्रोत, स्मार्त और लौकिक। स्वल्प भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्वेत और स्मार्त भस्म को केवल दुजों को ही उपयोग में आने की योग्य कहा गया है, और जो तीसरा लौकिक भस्म है, वह अन्य लोगों के लिए उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि दुजों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए, दूसरे लोगों को बिना मंत्र के केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्निय कहलाता है। महामुनि, वह भी त्रिबुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनीषी पुरुष को संग्रहण करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम आ सकता है। जावालोपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि सात मंत्रों द्वारा जल मिश्रित भस्म से धूलन करना चाहिए। महर्षि जवाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म के त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रसाद से भी ना छोड़ें, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और लक्ष्मी देवी ने भी वाणी द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्णकरों एवं जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उन्मूलन एवं त्रिपुंड रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर कहा, महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में त्रिपुंड का महत्व बताया है। यह सब प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त रखना चाहिए। मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में भस्म से तीन तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। भवों के मध्य भाग से लेकर अंत तक उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगलियों से दो रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखाएं त्रिपुंड कहलाती हैं, अथवा बीच की तीन उंगलियों से भस्म लेकर यत्नपूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम एवं भोग तथा मोक्ष देने वाला होता है। त्रिपुंड की तीनों रेखाओं में प्रत्येक के नौ नौ देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित होते हैं। मैं उनका परिचय देता हूँ, तो सावधान होकर सुनो। मुनिवरो, प्रणों का प्रथम अक्षर अकार, गाहपत्य, अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रियाशक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के नौ देवता हैं। यह बात शिव
दीक्षा पारायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार दक्षिणा अग्नि आकाश सत्वगुण यजुर्वेद मध्य दिन सवन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आहविनीय अग्नि परमात्मा तमोगुण सुदलोक ज्ञान शक्ति सामवेद तृतीय सवन और तथा शिव ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवता को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुण धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं, अब उनके संबंध में स्थान बताता हूँ, भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक ललाट दोनों कान दोनों नेत्रों दोनों नासिका मुख कंठ दोनों हाथों दोनों कोहिनी तथा दोनों कलाई हृदय दोनों पार्श्व भाग नाभि दोनों अंडकोश दोनों उरु दोनों कुल्फ दोनों घुटने दोनों पिंडली और दोनों पैर ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि जल पृथ्वी वायु 10 दिक् प्रदेश 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धर ध्रुव सोम आप अनिल अनल प्रत्योष और प्रभास ये 8 वसु कहे गए हैं। अब इनका नाम मात्र लेकर इनके स्थान में विद्वान पुरुष त्रिपुण धारण करें अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थानों में ही त्रिपुण धारण करें। मस्तक ललाट कंठ दोनों कंधों दोनों भुजाओं दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में हृदय में नाभि में दोनों पसलियों में तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुण लगाकर वहाँ दोनों अश्विनी कुमार का शिव शक्ति रूप रुद्र ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक। केश दोनों कान मुख भुजा हृदय नाभि दोनों उरु दोनों जानु दोनों पैर और पृष्ठ भाग इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक में शिव केश में चंद्रमा दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा मुख में विघ्नराज गणेश दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी हृदय में शंभु नाभि में प्रजापति दोनों उरुओं में नाग और दोनों नाग कन्याएं दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं दोनों पैरों में समुद्र और विशाल पृष्ठ भाग में संपूर्ण तीर्थ देवता के रूप में विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया। अब 8 स्थान बताए जाते हैं, गुहा स्थान ललाट परम उत्तप कर्णयुगल दोनों कंधे हृदय और नाभि ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा तथा सप्त ऋषि ये 8 देवता बताए गए हैं। मुनीश्वरों भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है अथवा मस्तक दोनों भुजाएं हृदय और नाभि इन 5 स्थान को भस्म वेता पुरुष ने भस्म धारण के योग बताया है। यथासंभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि भस्म में भी असमर्थ हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी 3 गुणों के आधार पर तथा 3 देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईर्षाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगावें। पितृभाभ्याम नमः यह कहकर नीचे अंगों में उमेशाभ्याम नमः ऐसा कहकर ऊपर के अंग में भीमाय नमः कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए।